शराब तस्करी का अनोखा मामला आया सामने। शराब बनाकर गहरी नदी में छिपा देते शराब। शराब ग्राहक के आने पर नाव से जाकर निकाल कर दे देते शराब। चाकघाट थाने के टोक गांव का है मामला। नदी में धागा बांधकर छिपाई गई थी शराब की बोतलें। पुलिस ने नाव से जाकर बोतलें बरामद की। चाकघाट थाने के टोक गांव का है मामला। तू डाल डाल मैं पात पात, यह कहावत इन दिनों रीवा में चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। नशे के खिलाफ पुलिस के अभियान में पहले पुलिस ने कोरियर से नशीली सिरप मंगाने वाले को पकड़ा, उसके बाद मऊगंज में जमीन के नीचे से शराब की बोतलें बरामद की और अब तमस नदी के अथाह जल में छिपी शराब की बोतलें नाव से जाकर पुलिस ने निकाला। पुलिस का हेल्पलाइन नंबर दिखा रहा है कमाल। ताज़ा मामला चाकघाट पुलिस ने टोक गांव में देखने में नजर आया है। यहां पर पुलिस की कार्रवाई में अजीब मामला सामने आया। शराब छिपाने के लिए कई तरीके तो आपने देखे होंगे। पहली बार पैकारों ने नदी का किया इस्तेमाल, नशे के खिलाफ जारी हेल्पलाइन नंबर ने किया कमाल। सटीक सूचना पर पुलिस ने मारा छापा। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसको देखकर खुद पुलिस वाले हैरत में पड़ गए। उस इलाके में बहने वाली तमस नदी के अथाह जल के अंदर शराब की बोतलें पुलिस ने जब्त की हैं। नाव में सवार होकर पुलिस ने नदी के बीच में से धागा बांधकर शराब की बोतलें छिपाई गई थी उसको बरामद करने में सफलता पाई है। अवैध शराब की बिक्री का यह नज़ारा देखकर पुलिस को भी अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ, जैसा कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। जी हाँ, चौक गांव में पुलिस को अवैध शराब की बिक्री की सूचना मिली थी। पुलिस ने आरोपी सत्यदेव सिंह के घर में दबिश दी। तलाशी के दौरान पुलिस को शराब नहीं मिली। तभी कुछ लोगों ने आरोपी के द्वारा नदी के अंदर शराब छिपाने की जानकारी दी। कुछ देर के लिए तो पुलिस को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, नदी के अंदर भी शराब छिपाई जा सकती है। लेकिन तस्दीक करने के लिए नाव में सवार होकर पुलिस अब नदी के बीच में पहुंची। वहां पर आरोपियों ने पतली रस्सी बांधकर शराब की बोतल पानी के अंदर छिपाई हुई थी। पुलिस ने 13 लीटर शराब पानी के अंदर से निकाली है। जैसा कि आप सबको बताते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में जिले में लगातार नशा मुक्ति अभियान के तहत बड़ी मात्रा में नशे की वस्तुओं पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जब पुलिस ने कार्रवाइयों में तेजी की तो जनता ने भी आगे बढ़कर अभूतपूर्व सूचनाएं पुलिस को देना शुरू किया। इस क्रम में जहां 40 पेटी कोरेक्स पकड़ी गई, वहीं एक सफलता और मिली, जो कुछ लोगों ने बड़े ही तरीके से पानी के अंदर कुछ टैंक्स में छोटे छोटे टैंक बना के उनको सुरक्षित रख के शराब छुपा रखी थी। उस दौरान पुलिस को पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन जब मुखबिर से मिली तो जाके उन लोगों ने वहाँ पर एक कार्रवाई संपन्न की है। पूरी टीम ने काफ़ी अच्छा ये काम किया है। इसके बाद से, इस कार्रवाई की सफलता के बाद से, हमारे पास सूचनाएं आना और अधिक बढ़ गई हैं, क्योंकि इससे लोगों का विश्वास बढ़ा है कि इस सूचना को पुलिस ने इतनी तेज़ी से डेवलप किया और सफलता पाई।